तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आशुतोष आप सबका स्वागत करता हूँ देवभूमि भ्रमण में। तो आज पूर्णिमा है और हमारे गांव में मानती पुन्यू कहते हैं, तो मैं जा रहा हूँ मंदिर। और जब भी बड़ी पूर्णिमा होती है, पुन्यू होती है, तो तब हम लोग मंदिर जाते हैं। और कहाँ कहाँ जाते हैं ये सब इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। पहले मैं सबसे पहले अपने इष्ट के पास जा रहा हूँ, नौलिंग जी के पास, और वहीं से जर्नी स्टार्ट करेंगे। अभी फटाफट चलता हूँ वहाँ पर और दिया बत्ती जलाते हैं, फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट करेंगे। और कितनी दूर तक पहुँचता हूँ आज, वो सब इस वीडियो में देखने को। तो मंदिर तक जाने के लिए ऐसा रास्ता है, और कहीं कहीं पर टूटा भी है, और इसके चारों ओर देख सकते हैं बहुत घना जंगल है। ये देखिए, तो मैं अभी आधे रास्ते में पहुँचा हूँ। तो दोस्तों, पहला पड़ाव मैं पहुंच चुका हूं भगवान श्री नौलिंग जी के मंदिर पर, और मैंने दिया बत्ती कर दी है और तब जाके मैं ब्लॉग बना रहा हूं। और अब यहां पर से प्रस्थान करते हैं, ऊपर छिन में जाएंगे अजंडी बुबू के मंदिर में, फिर देखते हैं कि कहां तक पहुंचते हैं। और यहां पर बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है और बहुत शांत इलाका है। पुराना है, कई हजार साल, हम बचपन से ऐसा ही देखते आ रहे हैं। और जो हमारे माँ बाप थे उन्होंने भी ऐसा ही देखा बोलते हैं वो। और जो भी बुजुर्ग आदमी यहाँ पर पहुँचता है वो यही बोलता है कि हमने ये पेड़ ऐसे ही देखा, और वो सब महिमा हमारे इष्ट नौलिंग जी की है। और यहाँ पर से अब चलता हूँ मैं बुबू के पास, और बुबू वाली वीडियो भी डाली थी तो वहीं चल रहा हूँ अजंडी बुबू के पास, और वहाँ चलाते हैं दिया। और अब यहाँ पर से चलते हैं, और जय हो प्रभु। रास्ता बहुत भयानक है, बहुत डरावना भी है। और यहाँ पर घटना आई थी कि यहाँ पर एक बूढ़े आदमी को भालू ने भी खतरनाक तरीके से, मतलब शब्द नहीं आ रहे उतना खतरनाक तरीके से उन्हें फाड़ दिया था। पूरा सब खोपड़ी अलग कर दी थी, खोपड़ी का सारा मांस नीचे निकाल दिया था। तो वैसा इलाका है, और यहाँ पर भालू भी है, बाघ भी है, और अकेला हूँ। तो वह सब माया है ऊपर वाले की, और डर बिल्कुल नहीं लग रही है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितना भयंकर जंगल है, और देख सकते हैं मेरे चारों दिखाने। तो ये है रास्ता, आप देख सकते हैं, और यहाँ से ऐसा कुछ जाना पड़ रहा है। और आजकल आदमी चलता नहीं है तो इस रास्ते में, तो रास्ता अभी तक बन नहीं रहा है। तो चलते हैं ऐसे ही और पहुंचते हैं मंदिर तक। अभी मैं जिस रोड में चल रहा हूँ, ये रोड है पूरी, आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये आगे को जा रही है। इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड है, और जब ये अंग्रेजों के टाइम पर बनी हुई थी, तो ये लिंक अप करता है इसके, इस रोड के पीछे। अगर आप लोगों ने मेरी ब्लॉग नहीं देखे होंगे तो इस रोड के पीछे सीधे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और इस रोड के इस साइड हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो ये पूरा रोड है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड है, और ये लिंक अप करती थी। जब रोड नहीं होते थे तो यहाँ चरावे आते थे, जो भेड़ बकरी वाले। अगर मैं आप लोगों ने, फिर से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग नहीं देखा होगा तो आप प्लीज जाकर देखें। तो इस रोड में ही वो मेरे को भेड़ पालक मिले थे, तो भेड़ पालक लोग भी इस रोड में चलते हैं, गधे घोड़े खच्चर सब इसमें चलते थे। गाड़ी नहीं थी गाँव घरों में, तो सब कुछ जो सामान बाहर से आता था, सबसे मेन सामान था कि नमक। नमक जो आता था वो बकरियों में लाद कर आता था, घोड़ों में, खच्चरों में लाद कर आता था। तो यही रूट है वो, और इस रूट में ही जाते थे। और आसपास इतना भयंकर वाला जंगल है, भयंकर वाला जंगल। और मैं बुबू के मंदिर पे पहुंचने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की रोड, ये इसमें चल रहे हैं हम अकेले, और सुनसान इलाका है, बहुत भयंकर वाला इलाका, पूरा बांज का जंगल है, और छोटे छोटे बांज हैं। मैं यहाँ से आया हूँ और मुझे यहाँ की ओर जाना है। तो बुबू की सेवा में पहुँच चुके हैं हम, और देखो वो जानवर दिख रहा है वो। तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर जानवर का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जानवर भी दिख रहा था, और वो मुझे देख के शायद ये जा रहा है। ये देखो,
यहाँ पहुंच गए। नारायण जी के मंदिर में, तो आगे मुलनारायण जी का मंदिर है और इसके सीधे सामने नंदा देवी, और वो पहाड़ आजकल बर्फ़ से ढके पड़े हैं। अगर दिखेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाने की कोशिश करूंगा अभी। और बाकी ये बहुत पुराना मंदिर है और बहुत शक्ति है इस मंदिर पर। अब यहाँ पर से चलता हूँ और आगे को दिया जलाना है, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता तय करना है और जंगल का भी रास्ता है। तो धीरे धीरे यहाँ से अब निकलते हैं। जय हो बुबू जी। तो फिर से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाली रोड पर और पैदल पैदल आगे को यात्रा शुरू करते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, क्योंकि मैं अकेले तो यहाँ आया नहीं। जब छोटा था तो तब मेरे को भेजा नहीं गया, और जब उम्र हुई तब मैं घर पर नहीं था। तो आज मौका मिला है तो मैं सभी भगवान के मंदिर पर जाता हूँ और आप सभी को भगवान के दर्शन कराता हूँ। और जो मेरे गांव के बाहर रहते हैं मेरे गांव से, तो उनको ये ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगेगा। और आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे भरपूर प्यार दें और ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखें। तो अब चलता हूँ मुलनारायण जी के मंदिर पर और धीरे धीरे आगे को। ये बुरांस गिरे हैं रास्ते में, और बुरांस का फूल, और ये है फूल, इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। तो अब हम यहाँ पर से भी चलते हैं। जैसे जैसे मैं आगे चल रहा हूँ वैसे वैसे जंगल भी बढ़ रहा है, और रास्ते में इतना बड़ा पेड़ आया है, इसको इसी करके निकाल के चलिए। तो दोस्तों, जैसे जैसे जंगल और भयंकर लगा तो मैंने डंडी भी ले ली, और मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर हमने गुफा खोज निकाली थी उस जगह पर। और ये वो जगह है, आप सबको दिखाता हूँ। हर हर महादेव। और यहाँ पर महादेव साक्षात्कार रहते हैं। तो ये है गुफा, ये नीचे ये। तो अभी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये है गुफा, ये देख सकते हैं, ये है गुफा यहाँ पर, यहाँ जहाँ पर मेरी डंडी है यहाँ पर है। तो यहाँ से अंदर घुसे हुए थे हम। तो अभी मैं अकेला हूँ इसलिए भी नहीं जाऊँगा, और जब मेरा साथ होगा तो फिर उसके बाद चलेंगे यहाँ पर से। तो यहाँ पर से अभी आगे को चलता हूँ, आगे को सफ़र पूरा करते हैं डंडी के सहारे से। तो हर हर महादेव, फिर से यहाँ पर आऊँगा अगर आप लोगों का प्यार मुझे मिला, और फिर से मैं भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन जरूर कराऊँगा। तो फिर यहाँ से हम ऊपर गए थे, यहाँ से ऐसे करके ऊपर, वो ब्लॉग भी मैं इसमें डाल दूंगा। तो फिर ऊपर हमने गाना वाना गाया था। तो आज मेरे सारे दोस्त कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो कभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेंगे और फिर दिखाएंगे। यहाँ पर कोई आदमी छोड़ो तुम जानवर भी नहीं चल रहा है, तो इसलिए ये रास्ता बिल्कुल ऐसा कुछ हो रखा है। और अब तो डर भी लग रही है धीरे धीरे, क्योंकि जो लोग बाग ग्वाला आते हैं वो भी नहीं आ रहे हैं, और पूरा घास से कुछ ऐसा हो रखा है रास्ता, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हल्का फुल्का घिसा है वो पानी की वजह से। और बाकी रास्ते का पता ही नहीं चल रहा है। अभी थोड़ा सा विश्राम करता हूँ, और यहाँ पर से मेरा पूरा गांव दिखाई देता है और मेरा घर भी दिखाई देता है। तो मैं अभी आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ नज़ारे। और पूरा गांव यहाँ से डौणू से लेके दसौली, मेरा गांव चौकोड़ी वहाँ ऊपर, और पूरा पांखू का इलाका पूरा दिखाई देता है। और मैं वैसे टॉप में आया हूँ अभी, और ये रास्ता अभी मंदिर की ओर, तो मंदिर भी पहुँचाऊँगा और मंदिर भी जाएंगे। कड़कनाथ वाली मुर्गियाँ भी दिख रही हैं। और इसी रास्ते में लाठी के सहारे से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत डर का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एकदम से ये देख सकते हैं बिल्कुल झाड़ियां हैं, तो एकदम से झप्पू वाला डर लग रहा है कि कहीं से आगे से भालू ना आ जाए, सुअर ना आ जाए और बाघ भी ना आ जाए, क्योंकि ऐसा इलाका हो रहा है। और पहली बार लाइफ में, पहली बार ये जर्नी कर रहा हूँ मैं और अकेले, बहुत अच्छा आनंद भी आ रहा है और
कभी कभी पर डर लग रहा है, नहीं तो नहीं लग रहा है। तो अब आगे कैसे जाया जाए, ये देखो पूरा पट्ट बंद हो गया। थोड़ा सा झुकते झुकाते सर को बस से बचाते आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो ऐसा कुछ है रास्ता यहाँ पर। तो इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों से कि हमें डर भी लगा है। देखो पूरा जंगल के बीच से मैं भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डर नहीं लगती है। बस उस पर वाले का नाम लेते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं पंजैन जी के मंदिर में और मैंने बहुत लंबा रास्ता तय किया। वो दिख रहा है वो वाला पहाड़, उस पहाड़ से ऐसे 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 करके आया और ये रास्ते से नीचे आकर भगवान बंजारण जी के मंदिर पर पहुंच गया हूं। तो ये है हमारे बंजारण जी का मंदिर और काफ़ी खूबसूरत है, हजारों साल पुराना। इसका जो डेकोरेशन करके है वही है और ये पेड़ वो भी बांज के पेड़ और पूरी घाड़ियों से लदालद है। ये देखिए चारों ओर, और ऐसा ही सेम आप लोगों ने नौलिंग जी के मंदिर में देखा होगा जो फर्स्ट में आप लोगों को दिखाया, और ऐसा ही कुछ है। और पहले हमारे नौलिंग जी का मंदिर भी कुछ ऐसा हुआ करता था और फिर उसके बाद उसमें काम चल रहा है अभी, तो अब भव्य बन गया। मैंने दिया बत्ती कर दी है और अब चलता हूँ यहाँ पर से आगे को, और आगे का भी सफ़र काफ़ी लंबा है। अभी बज गए हैं एक, सुबह 10 बजे निकल गया था मैं घर से, तो अभी चलते चलते 1 बज गया है। और अब भगवान बंजारण जी से इजाज़त लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं और आगे आगे देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता हूँ। यह है डौणू का गांव और वहाँ ऊपर टॉप में थे भगवान बंजारण जी। तो और लोगों ने यहाँ पर बिने भी रखना स्टार्ट हो गया, देखो बिन। तो दोस्तों मैं अब पहुंच चुका हूं मूलनारायण जी के मंदिर में किलसत, जो कि भगवान बंजारण जी और नौलिंग जी के पिताजी के रूप में हम पूजते हैं। और वैसे ये भगवान विष्णु भगवान के अवतरित रूप माने जाते हैं। और देख सकते हैं क्या खूबसूरत घाड़ी है, और उसी घाड़ी के नीचे भगवान मूलनारायण जी, नौलिंग जी और बंजारण जी, जो भी मंदिर मैंने आप लोगों को दिखाया वो बहुत बड़ी बड़ी घाड़ियों के नीचे विराजमान है और साक्षात्कार है। यहाँ पर किसी ने इनका स्थापित नहीं कर रखी है और ये स्वयं यहाँ पर अवतरित हुए थे, तो ये कहा जाता है यहाँ पर। और बहुत सुंदर महिमा है और बहुत शांत इलाका है, और यहाँ पर से फिर हमारे गाँव की सीमा लग जाती है। अब चलता हूँ मैं गाँव को और भगवान मूलनारायण जी से लेते हैं आज्ञा। खूबसूरत सा गांव, यह है धर्मशिला ऑफ दसौली। तो ये धर्मशिला है और यह है शिला जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, और ये हवन के द्वारा बनी हुई शिला है, तो इसलिए यहाँ पर धर्मशिला कहते हैं। और मूलनारायण जी का वास बताते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी घाड़ियाँ हैं और फूल की घाड़ियाँ हैं। तो ये बीज हमारे गांव में है, बीज गांव में, चारों ओर गांव ही है। देखिए तो बीज गांव में धर्मशिला मूलनारायण जी का साक्षात धाम। तो दोस्तों ये है मेरा गांव का घर, यहाँ पर अम्मा भी खड़ी है, ये हमारी बाखली है, यहाँ पर हम छान कहते हैं, और वह धनपाटा आ गया है। और ऊपर वहाँ गया था मैं मंदिर में, वो अजंडी बाबू का मंदिर हो गया, और ये पूरा, और वहाँ गया था वो डौणू था जहाँ बंजारण जी का मंदिर दिखाया मैंने। और अभी अभी मैं घर यहाँ पर पहुँचा हूँ 10 गांव में। अम्मा की गाय भी आई है, ये वाली छोटी सी गाय, और ये है इसका बच्चा छोटा सा,
और ये दूसरी गाय का बच्चा है, ये दूसरी गाय। तो अम्मा की तो दिनाली की मजे आए हैं, अब दिनाली खाएगी। दोनों गाय अच्छे से भी आ गई है, एक है एक है, और उन दोनों के बच्चे। तो दोस्तों मौसम अचानक से ख़राब होने लग गया है और अब थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो रही है, और अब निकलता हूँ घर की ओर गांव से। वो अब तो लग रहा है कि बारिश ही आ जाएगी और मौसम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज बस इतना ही, और आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। और घर पहुँचने तक, क्योंकि मैं भीग जाऊँगा तो इसलिए ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। और आज मैं जहाँ भी गया वो मेरे गांव के बड़े से बड़े धाम है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।